मौलाना साहब, ये अर्ज़ है कि कुछ दिन पहले अवैस कादरी साहब, उन्होंने अपने बेटों का निकाह किया तो कुछ लोगों ने तान और तशनी का निशाना बनाया और हुजूर की सुन्नतों का भी मजाक उड़ाते रहे, इस बारे में फरमाएं। अल्लाहु अकबर। देखें, दो तीन पहलू हैं इस बात के, ज़रा समझिएगा थोड़ा सा। पहली बात तो ये है कि निकाह हुजूर की सुन्नत है, ठीक है जी। साल के किसी लहजे के अंदर भी, किसी मिनट और सेकंड में भी, इसको किसी ने भी नाजायज और हराम नहीं देखा। समझ आ गई मेरी बात? दरअसल हमारे मुआशरे ने इसको एक ऐप बनाया हुआ है, वो इसलिए कि जब शादी का नाम आता है ना तो सारे ढोल ढमक के बाकी तमाशे हमारे जहन में आ जाते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि शायद शादी का ये मतलब है। मैंने कहा नहीं, जो मजहबी बंदा होता है ना, वो आम दिनों में भी जब निकाह करे तो आपको ये पता है वो इन चीजों से बचता है। तो अगर कोई मुहर्रम में करे वो तो और बचेगा। और ये याद रख ले, मुहर्रम में निकाह करना माना भी नहीं है, निकाह की बात करें। जो आपके जहनों में शादी है उसकी बात ना करें, निकाह की। और दूसरी बात ये बड़े गौर से सुनिएगा, ये तो जब हकायक खुलेंगे तो आपको पता चलेगा। अलहाज उवैस रजाक कादरी, उसको मैं सिर्फ एक नात खान नहीं मानता, मैं उसको एक अजीम नात खान के साथ एक अजीम आलम दीन और एक वली भी मानता हूं। ये याद रख रहे, मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा हूं और बिल्कुल मैं बड़ा सोच समझ के बोल रहा हूं। ये जो आज शोर मचाने वाले बच्चे हैं ना, जबूरे, ये उस वक्त तक पैदा भी नहीं हुए थे जब उस बंदे ने आला हजरत के कलाम से नजदियों और राजियों के सीनों को छलनी करके रखा हुआ। अवैस रजा कादरी, ये किसी नासमझ बच्चे का नाम नहीं है, ये किसी उस मौलवी और पीर का नाम नहीं है जो मुहर्रम में हमारे स्टेजों पे आ जाता है और कभी राजियों के स्टेजों पे चला जाता है और कभी वो जनाब ईरान की बोली बोलता है। अवैस रजा कादरी उस बंदे का नाम है जो आला हजरत की बोली बोलता है। सुना इस बात को? मैं बात नहीं करना चाहता था लेकिन बार बार पर्चियां आ रही हैं तो मैं आपको बता दूं। और ये हकायक जब खुलेंगे तो आप देख लेना, ये निकाह मुहर्रम में हुआ ही नहीं है, ये भी सुन लेना। क्या बात है? ये जब हकायक आएंगे तो आप देख लेना, और अगर हो भी जाए तो जायज है, क्योंकि अवैस रजा कादरी साहब को नहीं पता था कि अगर मैं निकाह इस महीने में करूंगा तो ये जितनी लुमड़ियां हैं, ये जो ईरान के चरणों में चरने वालियां, ये सारी भौंके की पता उन्हें भी था। लेकिन ये जो मामला खुलेगा तो आपको पता चलेगा अवैस रजा कादरी ये किसी ना समझ बच्चे का नाम नहीं है। समझ आ रही है? और यार हकायक पूछा तो करो ना, पूछा तो करो ये हुआ क्या है, पूछा है नहीं। और जिसका जी चाहता है वो स्पीकर के आके बकबक शुरू कर देता है। मैं आपको कहता हूं थोड़ी देर इंतजार करो, ये बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी, आप परेशान ना हो, आपको पता चल जाएगा। गिरामी कदर जरा। दूसरी बात, अगर ये भी हो कि निकाह उन्होंने मुहर्रम में किया है तो फिर भी क्या आप ये समझते हैं कि अवैस रजा कादरी वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत का माज़अल्लाह बुग़्ज़ी है या गुस्ताख है या सियाबा का है? ये हो ही नहीं सकता। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो नबी पाक की आल का भी सच्चा आशिक है, नबी के आसार का भी सच्चा आशिक है। अगर ये निकाह मुहर्रम में हुआ भी हो तो फिर भी उसने जो इंतखाब किया, जरा देखो तो सही ना यार, नमाज भी बात बात है और सारी महफिल में जिक्र हुसैन होता रहा है, जिक्र अहले बैत हुआ, उसने अपनी हर चीज अहले बैत की खुशी में डाल दी है, अहले बैत के खाते में डाल दी है। और लोग फिर नहीं राजी हो रहे, कहते हैं जैसे हम अहले बैत का जिक्र थे वैसे तुम करो। मैंने कहा वैसे नहीं होगा, क्योंकि तुम तो ईरान के यतीम खानों में पलने वाले हो, ये तो आला हजरत के मैं खाने से जाम पीने वाला है, ये तुम्हारे साथ बैठकर ऐसी बात नहीं कर सकता। और सुनो, ये हकायक जब आएंगे तो मेरी बात को आप सुनेंगे कि यार मौलाना ने सही कहा था। हाँ,
ये मैं बता दूं, बसाओकात बंदे का जी नहीं चाहता होता कि मैं ये काम इन दिनों में करूं, अगर के जाए लो, लेकिन उसमें कोई ना कोई देखा, पूछो तो सही ओएस भाई मसला क्या बना कि लोग कहते हैं वलीमा किया, चलो हो सकता है निकाह पहले हुआ हो, तो वलीमा क्यों किया यार, कोई मजबूरी पूछ लेनी चाहिए किसी से। मैं आपको बताता हूं, मेरा दोस्त है, पिछले साल की बात है, उसकी अजीजदारी थी कराची में, वो रहता था फैसलाबाद में, उसकी बुढ़िया अम्मा थी, उसकी जौजा अचानक अटैक हुआ फौत हो गई। वो मुझे कहने लगा मौलाना अब ये 3 मुहर्रम का दिन है, ठीक है, लेकिन अब मैं करूं क्या, मेरे छोटे बच्चे भी हैं, अजीजदारी मेरी उधर की है और यहां मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे छोटे बच्चे इनको कौन संभाले, मेरी मां इतनी बीमार है वॉशरूम तक औरत ले जा सकती है, बाकी सारे मामला मैं नहीं कर सकता, मैं क्या करूं। आप बताइए, मैं उसे यह कहता कि 2 मिनट ठहर जा, उसने कहा हमारे पास रिश्तेदारों ने यह कहा है कि हम बच्ची का निकाह तेरे साथ कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं मुहर्रम में निकाह हराम है। मैंने कहा मैं तुझे गारंटी देता हूं, आला हजरत ने भी लिखा है मुहर्रम में निकाह हराम नहीं है, याद रख लो निकाह हराम नहीं है, लेकिन यार किसी की मजबूरी देखा करो। अब उसकी मजबूरी उसको मैंने बताया, उसने निकाह कर लिया। मैंने कहा बेटा ये मसला है, मैं गारंटी देता हूं निकाह बिल्कुल जायज है, बाकी ये जो तमाशे हैं ये तो बाकी 12 महीनों में जायज नहीं तो मुहर्रम में जायज कैसे हो जाएंगे, समझ आ रही मेरी बात की। तो ऐसी कोई मजबूरी हो सकती है, किसी ने पूछा है अलहाज वैस रजा कादरी साहब से, तो बक बक करने की लोगों को किसने इजाजत दे दी है। मैं बड़े निहायत दुख से कह रहा हूं उस शख्स के बारे में जिसने पिंडी में बैठकर बड़ी मुनाफिकाना और हयाराना बाजारी जबान इस्तेमाल करते हुए अलहाज उवैस रजा की बेटी के बारे में भी ऐसे कलेमात बोले हैं। मैं कहता हूं उवैस रजा कादरी से मेरा कोई इतना लंबा चौड़ा ताल्लुक नहीं, इतना लंबा चौड़ा इसलिए कहा है कि बस जब तालिब इल्म थे तब से उनको सुनते हैं और उनकी मोहब्बत हमारे दिल में है। मेरा ख्याल है कभी 1 घंटे की मेरी मुलाकात भी जिंदगी में नहीं हुई, लेकिन मैं जो कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उसने गलत किया है, और जो पिंडी का वो शैतान है, मेरे पास लफ्ज बहुत है बेटा और तू भी कान खोल के सुन ले, मेरे पास वीडियो मौजूद है, उसके अंदर ना वो मेरा नाम भी बिगाड़ के ले रहा है, शिमर अत्तारी मुझे कहता है। मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, मैं अभी तुझे कुछ नहीं कहूंगा, उसकी वजह यह कि मैं देख रहा हूं कि तू जरा अच्छी तरह से अपनी तरबियत का इजहार कर कि तेरी तरबियत क्या है, समझ आई ना, और हमारी हमारे मुर्शिद ने तरबियत की है, नहीं तो पुत्रा मेरे को लफ्ज ने मां तेरिया धुएं काट के रख दे, तू याद रखे होया की है। लेकिन ये सुन लो मौलाना साहब, सुन लो, तुमने ये बहुत बड़ी बेइज्जती की है, तुमने अवैस कादरी की बेटी के बारे में ये कहा कि क्या वो भाग रही थी। हम इस तेरे जुमले और तेरे रवैये पर लानत भेजते हैं, तुझे शर्म आनी चाहिए। सजाई पर बैठने वाला बंदा इतना बड़ा बेगैरत हो सकता है, हमने सोचा भी नहीं था। हमें पता है कि तू हर 6 माह के बाद उलमा अहले सुन्नत को काटता है, पर अब तो तू घर तक पहुंचाया है। सुन ले, तूने अवैस कादरी की बेटी को कुछ नहीं कहा, ऐसे समझ के तूने हमारी बेटी को कुछ कहा है। आपको पता है अलहाज उवैस रजा कादरी के बेटे और बेटियां ये सिर्फ सनाखान ही नहीं, आलिम भी है और आलिमा भी है। तू आज ये बातें कर रहा है हालांकि शरीयत में इसकी इजाजत है, और हकायक जब सुनेंगे तो फिर तुझे पता चलेगा। मौलाना तुझे हया करना चाहिए। ये लफ्ज भी मैं मौलाना का इस्तेमाल कर रहा हूं, अभी कुछ रियायत है। मौली साहब मैं, मेरा ये मशवरा है, माफी मांगो अलहाज उवैस कादरी से, ये शर्म नहीं आती। और फिर हवाले देते हो कि एक मुफ्ती ने कहा है, उस मुफ्ती का भी हम पता लगा लेते हैं कि उसकी औकात क्या है। समझ आएगी ना, तुम्हारी तो सामने आ गई ना। यार मुझे एक बात बता भाई, इतना तुझे दर्द हुआ है, तू बता हजरत उमर की गुस्ताखी हुई है पिछले दिनों सखर के अंदर, तेरा क्लिप नहीं हमने देखा, सिद्दीक अकबर को लोग भौंक रहे हैं, मौलवी तुझे दर्द नहीं हुई, यहां पर उलमा अहले सुन्नत को बका जा रहा है, तूने कभी ये बात नहीं की, और तेरी ये गंदी आदत है, कभी तू अलामा पीर लियास कादरी साहब को काटता है, कभी अलामा डॉक्टर अशरफ आसफ जलानी साहब को काटता है, कभी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को काटता है, कभी तो जनाब गुफरान शेरवी साहब को काटता है, कभी तो समर अत्तारी साहब को काटता है, तुझे खैर तो है क्या? और तेरी जबान सिर्फ उलमा अहले सुन्नत के खिलाफ है, क्या बात है? और जो भी मसले
करके रजा का नाम लेता है, तू काटना शुरू कर देता है। अब ना थानों की तरफ तू आ गया है। खुदा का खौफ कर, अपने रवैये पर गौर कर। अवामे अहले सुन्नत, आप जो क्लिप जारी किया है ना, अब दे जवाब उसका। तू क्या ये समझता है कि ये मोहब्बत अहले बैत है? ये मोहब्बत अहले बैत नहीं है। जालिम, तुझे किसी ने बताया ही नहीं है ये मोहब्बत अहले बैत नहीं है। मोहब्बत अहले बैत सीखनी है ना, तो मैं तुझे मशवरा देता हूँ, चल के अवैस रजा कादरी से सीख। तूने उसकी बेटी पे हमला किया, और मैं तमाम उलमा से और तमाम अमामे अहले सुन्नत से अपील करता हूँ, इस कमीने मौलवी को कहा जाए घरों तक ना पहुंच, वरना के तुझे काम महंगा पड़ेगा। माजरत कर। क्या बात है? भाई आप साथ हैं जितने हैं, माजरत कर इस काम से। वैसे काटता रहे, इतनी तुझे हम पहले भी इजाजत देते थे ताकि जमाना देखे कि ईरान के टुकड़े खा के भौंकता कौन है। इतनी इजाजत तुझे देते हैं, लेकिन भाई घर तक न जा। तमाम उलमा, तमाम अवाम समझो, ये सिर्फ उर्स की बेटी को बात नहीं हुई, ये हमारी बेटी को बात हुई है। ऐसे कमीने बंदे को सटे जो पे आना चाहिए, शर्म कर, शर्म करो। उस मौलवी से कहो खुदा का खौफ कर, तूने ये सारे समझे हुए हैं कि ये वो ही हैं पिंडी वाले जो मेरे सामने बैठते हैं। ओए पिंडी दी ये बिलिए, तैनू पता ही कोई नहीं कराची दे खंबे दे विच करंट किन्ना हुंदा है, तैनू पता ही कोई नहीं है। खुदा का खौफ कर। और ये जो बात जनाब ने की है ना, इस बात से तौबा करो, वापस रहो इन बातों को। और मैं अलहाज उवैस कादरी की खिदमत में भी अर्ज करूंगा कि ऐसे मौकों पर ये खबीस बकवास करते रहते हैं, हमें पत यकीन करो, अगर मेरा बस चले तो मैं उवैस कादरी से ताजियत करूं, क्योंकि इतना बड़ा तीर मारा है उसने बेटियों को, इतना बड़ा तीर मारा है। मैं उनसे कहूंगा कि आप ना बस अपना मुकदमा अल्लाह की बारगाह पे छोड़ दे। खुदा की कसम, जब वहां से इसकी पकड़ होगी ना, जमाना देखेगा। तुम नोट करो मेरी बात को, अंधेर जो होता है ना वो ज्यादा देर चलता नहीं है। मेरी दुआ है अल्लाह इन जालिमों को ऐसी इबरतनाक सजा दे, इनको पता चले कि हम उलमा और अवाम अहले सुन्नत के साथ क्या करते रहे और आज हमारे साथ क्या हो रहा है। दुआ तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ना छुरियां, ना चाकू, ना पिस्तौल, ना हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन यार ये जो लोग बेगैरती से बाज नहीं आते, उनके लिए हम ये तो कह सकते हैं कि याला इनको निशाने इबरत बना। आमीन, आमीन। समझ आ रही है मेरी बात की? हम सबको पता है मौलाना तेरी औकात क्या है, ये तुमने बहुत गलत कदम उठाया है। और याद रखें, जितने भी सहीहुल अकीदा लोग हैं उन्होंने एक ही बात की, उनका यार जब शरीयत ने मना नहीं किया तो ये कौन है जो कहता है कि अहले बैत के बुगद में शादियां रचाई, अहले बैत के बुगद में भड़कीले कपड़े पहने, और बात अवैस कादरी साहब को करनी थी, चलते चलते मेरे पीर को भी काटने लग पड़ा। कमाल अली गल है यार, ये क्या बात हुई भाई? बात किसकी होती है, चल पीसिस के पीछे चलता है, जबकि बात उसकी भी ठीक है। समझ आ रही मेरी बात की? ऐसे बेज़मीर लोगों से अपने आप को दूर रखिए, उनको दूर कीजिए और उनको समझाइए तुमने ये जो हरकत की है ये बहुत गंदी हरकत की है। और याद रख लो बेटा, ये जो बुनियाद तुम बांधने लगे हो ना, ये बुनियाद तुम्हें बहुत नुकसान देगी। मेरी बात आप याद रख लो, समझ आ रही है? और याद रखें, यहां पर मैं एक इशारा दे देता हूं, एक देवबंदी मौलवी है साजिद देवबंदी, मैं ज्यादा खुल के बात नहीं करता, उसने लिखा है अपनी किताब में कि इसकी विलादत कैसे हुई है। इनवाक पढ़ के सुना, उसने कैसे लिखा है, अपनी औकात में रहो। मुझे कई लोग कहते हैं कि ये बताया करो, मैंने कहा नहीं, हमारे घर की ये तरबियत नहीं है, चूंकि हमारे पास घर वालों ने शऊर दिया है और इनके पास शऊर की ऐन निकाल लो, शोर है शऊर नहीं है। कुछ खुदा का खौफ करो यार, कुछ खुदा का खौफ करो। आले सुन्नत के साथ जो तुमने जुल्म किया है, अब तुम्हारी दुकानदारी ज्यादा चलने वाली नहीं है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा अगर इख्तलाफ करना था तो ये कह सकते हैं कि यार इन दिनों में निकाह ना रखते, थोड़े दिन आगे कर, ये ज्यादा से ज्यादा। और मैंने कहा ये भी, जब बात खुलेगी तो पता चलेगा ये सब कुछ पहले था। ये मुहर्रम के अंदर तो सिर्फ उन्होंने महफिल रखी है जिसको अपनी वलीमे के साथ मंसूब किया और तुमने शोर मचाना शुरू कर दिया, काम तो सारा पहले हुआ था। समझ आ रही है मेरी बात की? तो दोस्ताने गिरामी, ऐसे लोगों को चाहिए खुदारा अहले सुन्नत के ऊपर मेहरबानी करें, वरना याद रखो अल्लाह की जब पकड़ में आओगे ना,
लानते तो पहले ही बड़ी बरसती है, जरा शीशे में अपना चेहरा देखना, तुम्हें पता चलेगा कि मैं चंगा भला इंसान सी ते हूं लूमड़ी तो भैड़ी मेरी शक्ल हो गई है। इतना गंदा तू इंसान है, अब क्या अपने जुबानों से जहर उगल कर क्या जो भी मसल के रजा की बात करता है उनसे तू बेजार करने की कोशिश करता है? तुझे शर्म नहीं आती? कभी दावत इस्लामी को भौंकता है और कभी नबी पाक की सुन्नत मिसबाह को भौंकता है, कभी सुर में लगाने वाली मिसबाह जो सुन्नत है उसको भौंकता है, तुझे हयाई नहीं आती? इतना बेलगाम है। आप जितने बैठे हैं मैं आपकी खिदमत में रिक्वेस्ट करता हूं और उलमा की खिदमत में भी, ये उसने सिर्फ अलहाज उवैस रजा की बेटी को बात नहीं की, हम सब की बेटी को बात की है। तमाम उलमा इसकी मुजम्मत करें और इसको समझाने की कोशिश करें जिनके हाथों में इसकी लगामें हैं, इसका जरा पटा मजबूत करें और इसके मुंह के ऊपर भी कोई चीज चढ़ाएं, ये जो बांक बांक करता है ना, इसको कहो जरा अपनी हद में रहे। हमारा अहले सुन्नत पहले ही बड़े टुकड़े टुकड़े हो चुकी है और जितना मेहरबानियां इन लोगों की है वो भी आपके सामने है। ऐसे कमीने लोगों से अल्लाह ताला हमारा पीछा छुड़ाए और अल्लाह ताला हम अहले सुन्नत पर अपना फजल करम अता फरमाए। बात समझ आ गई आप सभी?